देख रहे हैं आजाद सिपाही। CMD के नाम पर काला धब्बा BCCL के इतिहास में काला अक्षरों में लिखा कारनामा। हो गया डिमोशन, फिर भी नहीं चेहरे पर कोई मलाल। उठ रहे सवाल, डिमोशन क्यों, बर्खास्तगी क्यों नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज काली करतूत उस अधिकारी की जिसने CMD जैसे पद को कलंकित कर दिया। चंद स्वार्थ की खातिर देश के पावर प्लांटों को मौत के मुंह में ढकेलने की साजिश रच डाली। होनी तो चाहिए थी उसकी बर्खास्तगी, लेकिन हुआ डिमोशन। उसके बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी सेवा में बना हुआ है। आजाद सिपाही की मुहिम रंग लाई। कोयला में पत्थर मिलाने के खेल पर से पर्दा हटाने पर CMD अजय कुमार सिंह नपे। साल भर के कार्यकाल में देश के कई पावर प्लांटों का बिठा दिया भट्ठा। एक विशेष मिशन के तहत झारखंड आए थे ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। अब खबर विस्तार से। कोयला में पत्थर मिलाकर देश के पावर प्लांटों को कोयला भेजे जाने के मामले में BCCL CMD अजय कुमार सिंह के चेहरे पर काला दाग लग गया है। कोयला मंत्रालय ने कोल सेक्टर में बड़े बदलाव के संकेत देते हुए उन्हें CMD पद से हटाकर डिमोट कर दिया है। कोयला मंत्री पीयूष गोयल के कोयला सेक्टर के दौरे के तत्काल बाद अजय कुमार सिंह पर कार्रवाई हुई है। ये इस बात का संकेत है कि अब अन्य भ्रष्ट अधिकारियों पदाधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। पावर प्लांटों को कोयला में पत्थर मिलाकर सप्लाई किए जाने के मामले में कोयला मंत्रालय काफी गंभीर है। BCCL, ECL, CCL समेत कोल इंडिया की सभी इकाइयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की जड़ें समाप्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पावर सेक्टर में कोयले की बढ़ रही डिमांड को पूरा करने के लिए ये जरूरी भी है। कोयला मंत्री पीयूष गोयल एक मिशन के तहत कोयला परियोजना को देखने झारखंड आए थे। उन्होंने ओडिशा और छत्तीसगढ़ की कोयला परियोजनाओं को भी देखा। देश के पावर प्लांटों को गुणवत्ता पूर्ण कोयला मुहैया कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को साल 2019 के अंत तक देश के हर घर को रोशन करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए पावर प्लांट को समय से गुणवत्ता पूर्ण कोयला मिलना जरूरी है। पावर प्लांटों को गुणवत्ता पूर्ण कोयला मुहैया कराने की जिम्मेदारी BCCL की है, लेकिन लापरवाह और भ्रष्ट BCCL अधिकारियों के कारण यहां से गुणवत्ता पूर्ण कोयले के बदले पावर प्लांट को पत्थर मिश्रित कोयले की सप्लाई होती रही है। छाई काई पत्थर का चूर्ण मिलाकर पावर प्लांट को कोयला भेज दिया जाता है। कोयला मंत्रालय को बार बार मिल रही शिकायत के बाद कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कोयला परियोजनाओं का मुआयना किया। इसके बाद एक्शन हुआ। BCCL के CMD अजय कुमार सिंह को पदमुक्त कर दिया गया। उन्हें डिमोट कर ECL का GM बना दिया गया है। कोयला मंत्री के दौरे के 3 दिन बाद ही उन पर गाज गिर गई। CMD के खिलाफ कार्रवाई के बाद BCCL के अधिकारियों की पेशानी पर बल पड़ गया है। जल्द ही कुछ और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। इनमें BCCL के परियोजना पदाधिकारी BK दुबे, विंध्याचल सिंह, महाप्रबंधक कल्याण जी के नाम लिए जा रहे हैं। डिमोशन क्यों, डिसमिस क्यों नहीं, इधर इस कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का सवाल है कि जब CMD ने भ्रष्टाचार किया और गड़बड़ी की तो फिर सिर्फ डिमोशन क्यों, उन्हें डिसमिस क्यों नहीं किया। यदि दोषी नहीं हैं, तो फिर कार्रवाई ही क्यों की गई। पहले भी आरोपों से घिरे रहे हैं अजय सिंह। BCCL में अवैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन को लेकर मंत्री गोयल सबसे अधिक नाराज दिखे थे। उन्होंने पावर प्लांट को पत्थर मिश्रित कोयला सप्लाई पर गंभीर टिप्पणी की थी। कोयला खनन और ट्रांसपोर्टिंग पर भी नाराजगी जताई थी। BCCL में माफियागिरी और भ्रष्टाचार पर जमकर फटकारा था।
जानकार बताते हैं कि सीएमडी अजय कुमार पर बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनियों की निविदा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। ईसीएल में तैनाती के दौरान भी इन पर आउटसोर्सिंग कंपनियों के फोर क्लोजर की कार्रवाई पर सवाल उठे थे। आजाद सिपाही की खबर रंग लाई। आजाद सिपाही की खबर पर कार्रवाई करते हुए कोयला मंत्रालय ने बीसीसीएल के भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। कोयला मंत्रालय ने बीसीसीएल के सीएमडी अजय कुमार सिंह को पदमुक्त कर दिया। कोयला मंत्रालय के रडार पर और भी बीसीसीएल के भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। राजापुर परियोजना, बीएनआर रेलवे साइडिंग से लगातार पत्थर मिश्रित कोयला सप्लाई पावर प्लांट को किया जाता है, इसके खिलाफ आजाद सिपाही ने मुहिम चलाई। मंत्री के दौरे के दौरान साक्ष्य छिपाने के लिए लगाई गई थी आग। कोयला मंत्री पीयूष गोयल के दौरे के दिन राजापुर परियोजना के कोल डंप में गड़बड़ी छिपाने के लिए आग लगाई गई थी। इस मामले का भी आजाद सिपाही ने खुलासा किया। 13 और 14 अक्टूबर को आजाद सिपाही द्वारा प्रकाशित और प्रसारित खबर देश के पावर प्लांट को भेजा जा रहा आग और पत्थर मिश्रित कोयला तथा बीसीसीएल में पत्थर मिश्रित कोयला सप्लाई और माफिया गिरी की रिपोर्ट पर कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने तत्काल कार्रवाई की। राजापुर कोल डंप में होता है मेकअप। बता दें कि राजापुर परियोजना अंतर्गत कोल डंप में लगातार कोयले में पत्थर एवं मिट्टी मिलाकर ज्यादा करके दिखाए गए कोल स्टॉक को मेकअप किया जाता है। इसको लेकर बार बार शिकायत जनता मजदूर संघ के महामंत्री बच्चा सिंह ने कोयला मंत्रालय से की है। कोयला भवन विजिलेंस की 3 सदस्य टीम बलवंत सिंह, मैती जी सहित एक अन्य अधिकारी राजापुर परियोजना कार्यालय पहुंचे भी 2 दिनी जांच के बाद शिकायत को सही पाया। परियोजना पदाधिकारी विंध्याचल सिंह से कोल स्टॉक के बारे में पूछताछ की गई एवं आउटसोर्सिंग सहित विभागीय कोयले के प्रतिदिन उत्पादन के बारे में जानकारी ली गई। विजिलेंस टीम ने बीसीसीएल ईजे एरिया के चयनित सर्वेयरों में नारायण प्रसाद, सुरेश पंडित, महेश महतो को बुलवाया। चयनित सर्वेयरों में एक सदस्य महेश महतो की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद हुई जांच में वहां कोल शॉर्टेज के संकेत मिले। इसके बाद की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई हुई। आगे हम बताएंगे कैसे हो रहा था भ्रष्टाचार। इंतजार करिए आजाद सिपाही के खबर विशेष का। अभी के विशेष में सिर्फ इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है यानी घंटी है उसे आप जरूर से प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।